आप देख रहे हैं सीरियल से आप आज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब एक बार जबरदस्त शॉक लगने की बारी आ चुकी है। जी हां, अभी तक तो रोहित को लग रहा था कि रूही चली गई है कोमा में और उसका उठना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो अब लगता है कि जो कुछ प्लानिंग स्ट्रेटेजी रोहित और अरमान ने बनाई थी वो सब खाक में मिलने वाली है, क्योंकि अब हीरा के साथ ही नहीं बल्कि आपकी प्यारी रूही को बहुत जल्द होश आने वाला है। शो में दिखाया जाएगा कि एक तरफ तो पूजा चल रही होगी, फैमिली फोटो होगा, नए मेहमान को शामिल किया जाएगा परिवार में, तो दूसरी तरफ अब हीरा की जगह यहां पर रूही को बहुत ज्यादा पैनिक अटैक आने वाला है और उसे एकदम से होश आएगा। जैसे ही घर में भगदड़ मचेगी कि रूही को होश आ गया है, अब हीरा भी भागेगी अपना बच्चा लेकर के रूही को देखने के लिए और यहीं पर होगा शो का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही रूही अब हीरा के हाथ में बच्चा देखेगी वो उसे देख करके फिर से बेहोश हो जाएगी। इतना ही नहीं, जब पूजा कंप्लीट करने के लिए अभीरा और रूही अरमान को बुलाया जाएगा तब यहाँ पर एक बार फिर से रूही को होश आएगा और तब मनीष और स्वर्णा से वो बार बार पूछती नजर आएगी, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। मनीष और स्वर्णा बेचारी रूही को क्या ही बताएं। रूही यहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट करती है, हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है कि कम से कम मुझे इतना तो बता दीजिए कि मेरा बेबी बॉय हुआ था या बेबी गर्ल। ये सुनते ही मनीष जी यहाँ पर रो पड़ते हैं, यहाँ पर फूट फूट कर रोती है रूही और वो कहती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, मेरा बच्चा कैसे मर सकता है, आखिर बोलिए किसकी नज़र लगी है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि रूही फूट फूट कर रोती हुई नज़र आएगी और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होगी। अब जब रोहित आएगा रूही के पास तब वो कैसे उसे कंसोल करेगा, और अगर रूही को पता चल गया कि उसका बच्चा ज़िंदा था और वो अबीरा अरमान के पास है तब ज़रा सोचिए क्या रिएक्शन होगा रूही का। वेल, ऐसी एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऐसी ही शानदार खबरों के लिए।